हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब जो है अपने गेट स्कोर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए जो पोस्ट गेट गाइडेंस की जो वीडियोस आ रहे हैं उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस चला रहा हूँ मैं गेट वाला के यूट्यूब चैनल पर और PW की ऑफिशियल ऐप पर, जिसमें गेट वाला के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना क्या है, उस IIT की फ़ीस क्या है, वहाँ प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ पे कितनी कट ऑफ रिक्वायर्ड है, ऐसे वीडियोज़ मिलते हैं। और लाइव काउंसलिंग होती है शाम को 5 बजे मंडे टू थर्सडे ऑन PW ऑफिशियल ऐप, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है जिसमें आप आके लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जाइए, एक बार एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का कोर्स दिखेगा आपको, उसमें इनरोल कर लो। और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, 5 PM पर जो सेशन है उसको अटेंड करो, आपके सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका रिजोल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। आप आके क्वेश्चन डालेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइज, IIT कानपुर जो है आप सबको पता ही है कि मिड वाले IIT की कैटेगरी में आता है। टॉप 3 IIT जैसे IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास हो गया, उसके बाद कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, ये सब तीनों जो तीन चार IIT हो रही है मिड की कैटेगरी में आते हैं। तो गाइज, इन IITs का कट ऑफ स्कोर जो है वो डेफिनेटली जो टॉप IIT है उससे कम जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको IIT कानपुर का एक अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ बता देता हूँ। तो इस कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है या इसके आसपास भी आ रहा है, थोड़ा कम भी आ रहा है, तो आप इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार गेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुए हैं वो काफ़ी कम है, इसलिए गेट स्कोर भी थोड़ा कम आया है, लेकिन रैंक अच्छी है तो चांसेज हैं सेलेक्ट होने के। तो दैट्स व्हाई अगर इसमें जो लिखा हुआ है, इस टाइम पर काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट करते थे तो उसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे ज़्यादा होते थे, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा सिलेक्शन का चांसेस कम होता था। बट यहाँ पर अगर आपका इस स्कोर से थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 750, OBC के लिए 600, SC के लिए 495 और ST के लिए 400, ये रेस्पेक्टिव कट ऑफ गई है। ऐसे मैंने सारे ब्रांच का एनालिसिस किया हुआ है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें 750, 675, 490 और 490 कट ऑफ गई है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो 475, 427, 285, 285 काफ़ी कम आप देखोगे केमिकल वाले बच्चों के लिए कट ऑफ रही है। सिविल में अगर आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स है तो उसकी 550, 450, 350, 350 कट ऑफ गई है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर स्ट्रक्चरल है जो काफ़ी पॉपुलर है, 760, 630, 50, 650 कट ऑफ गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में 750, 650, 500, 500 कट ऑफ गई है। सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल को देखोगे तो 730, 671, 483, 483 कट ऑफ गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो सिग्नल प्रोसेस प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में 815, 749, 572, 511 कट ऑफ गई है। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर इंजीनियरिंग जो देखोगे 827, 771, 683, 594 गई है, क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। IIT कानपुर का फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने एक IIT कानपुर का वीडियो भी लिया हुआ है जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि IIT कानपुर का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें गाइस, तो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन जो है इसकी कट ऑफ भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है, दैट्स वाई अगर आप देखेंगे कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में माइक्रो VLSI सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच, तो देखेंगे 900 के आसपास कट ऑफ गई है। तो गाइज़ अगर आपका 900 के आसपास, 850, 800 के आसपास भी आ रहा है, तो आप इस साल अप्लाई कर सकते हो, इस साल चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांच होती है, तो 750, 675, 500, 500 ऐसे ही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस जो IIT कानपुर का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जनरली अगर आप देखेंगे तो टॉप IIT में डिज़ाइन की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बट यहाँ IIT कानपुर का थर्मल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, दैट्स वाई थर्मल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। इसके बाद मैकेनिकल में ही मैनुफैक्चरिंग साइंस में अगर आप जाते हैं 750, 675, 500, 500 है। मैकेनिकल में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की कट ऑफ भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा मैकेनिकल में सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन की कट ऑफ भी यहाँ पर लिखी हुई है। कंप्यूटर साइंस में जो कोर्स है उसकी कट ऑफ भी यहाँ मेंशन है, तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है 600, 500, 360, 360। फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी यहाँ पे गिवन है 600, 396, 396। अर्थ साइंस की भी दी हुई है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है, दैट्स वाई देखो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, और
ये जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जो है आईआईटी कानपुर का, आईएमई का जो कोर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आपको बता दूं बच्चों के बीच में अच्छा खासा पैकेज लगता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, दैट्स वाई कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा जाती है। तो गाइज़ मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी आईआईटी कानपुर की पॉपुलर ब्रांचेज है उन सारी ब्रांचेज के कट ऑफ का आइडिया दे दिया है। ऐसे अगर आप देखोगे तो हर एक आईआईटी का मैंने कट ऑफ के वीडियो बना रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उसको जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे आईआईटीज के वीडियो मिलेंगे। और उन वीडियो को अगर आप चेक करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया रहेगा कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है किस ब्रांच के लिए। और इन वीडियो में मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन सा पॉपुलर कोर्स है, कौन सा थोड़ा कम कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। सो गाइज़ आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। एंड बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप लाइव काउंसलिंग अटेंड करो शाम को 5 बजे पीडब्ल्यू की ऐप पर। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है आप यूट्यूब पर कमेंट करके भी डाल सकते हैं, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।